जय उत्थान वेस्ट मोटन में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर दिल्ली एनसीआर से देवभूमि स्पोर्ट्स में होते T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में महिला क्रिकेट टीम का शानदार उद्घाटन रहा और आज पहले ही दिन यहां पर चौके और छक्के देखने को मिले और शानदार फील्डिंग का भी यहां पर प्रदर्शन देखने को मिला। वसुंधर दिल्ली में खेला गया मैच जिसमें मुख्य अतिथि एडवोकेट दुष्यंत नायक ने महिला खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और नगद राशि के तौर पर वुमेन ऑफ द मैच ट्रॉफी से सम्मानित भी किया। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में हिम्मत सिंह नेगी सैनिक समाज पार्टी उत्तराखंड ने रिबन काटकर मैच का उद्घाटन किया। विशेष अतिथि एडवोकेट सिद्धार्थ ने टीम कैप्टन एडवोकेट कमलेश उनियाल यूके लायंस गोल्ड व टीम कैप्टन एडवोकेट विवा भारती प्रयाग नंदा देवी लायंस JVR लॉ फर्म के बीच खेला गया। यूके लायंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। टीम ने निर्धारित ओवर में 3 विकेट खोकर 87 रन का लक्ष्य रखा जिसे नंदा देवी लायंस ने 1 विकेट खोकर मैच आसानी से जीत लिया। विमेन ऑफ द मैच सुनीता कोटनाला रही और जिन्होंने 1 विकेट व 33 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। दूसरा मैच कैप्टन सविता पंत हुनर ओमेन क्रिकेट टीम व यूके लायंस गोल्ड के बीच खेला गया जिसमें मुख्य अतिथि एडवोकेट दुष्यंत नायक ने टॉस किया और यूके लायंस ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। हुनर क्रिकेट टीम ने निर्धारित ओवर में 126 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया जिसमें उनकी खिलाड़ी रीवा ने 66 रन की बेहतरीन पारी खेलकर सभी का मन मोह लिया। यूके लायंस गोल्ड ने पीछा करते हुए कड़े संघर्ष में मुकाबला जीत लिया। बेहतरीन खिलाड़ी प्रियंका 64 रन की शानदार पारी खेलकर वुमेन ऑफ द मैच बनी। मौके पर समाजसेवी अनिल पंत जितेंद्र सिंह रावत पाड़ी फैश मोहन जोशी व कृष्ण कौर भी पधारे। देखिए यहाँ से हमारे सहयोगी दरबान सिंह रावत और संध्या रावत जी जिज्ञासु की रिपोर्ट। देखना पड़ेगा चौका अंपायर का सारा 4 रन राइट बॉल दीदी को कहा गया था कि रोटी खाइए चावल खाइए लेकिन उन्होंने मैगी खाई है जिससे इन पर ताकत नहीं आई। मैगी का जलवा है जो मैगी दीदी ने खाई थी उसका जलवा जिस तरह से मैगी घूमी उसे शानदार शॉट ताकत भरा शॉट है देखते हैं रोक पाते हैं रीवा फेस कर रही है संध्या जी को और शानदार शॉट पॉइंट के ऊपर से 4 रन। चार बॉल है सर 67 वेरी गुड 467 और ये बहुत अच्छा स्क्वायर कट और ये ऊपर और ये बहुत अच्छा 68 पांच बॉल है और ये ओवर थ्रो एक रन और नहीं ले सकते ले लिया है और ओवर थ्रो पे एक रन बाउंस ले लिया 2 रन होगा इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 69 हो गया है। लास्ट बॉल मेरे ख्याल से ओवर की स्कोरर बताएंगे और ये पीछे की तरफ खेल दिया है बैट चलिए ओवर 4 ओवर की समाप्ति स्कोर हुआ 69 4 ओवर 69 और ये शॉट क्या है गोली शॉट 6 रन अंपायर बताएंगे 4 है 6 अंपायर बोल रहे हैं 4 रन तो हम अंपायर की सुनेंगे इसलिए अंपायर ने जो बोला वही लाल डिसीजन 4 रन 4 ओ क्या मारा है और ये सब भगा दिया छक्का क्या बात है ओए क्या शॉट मारा है इसे इंडियन टीम का बेस्ट शॉट किया जाएगा बहुत ही प्लेयर इसे कहते हैं दो प्लेयर के बीच ओ क्या है पार बताएंगे चौका
57, इसी के साथ प्रियंका का स्कोर 57, टीम का स्कोर करता है 102, दो बॉलों पे 102 रन, छठे ओवर की दो बॉलों पे 102 रन। और अब तक मैं बताना चाहूंगा, प्रियंका मैम ने इस मैच में 7 छक्के लगा दिए। ये तो बहुत ही बड़ा है, पूरा 100 मीटर का, 100 मीटर का छक्का मार, जो बोलेगा वही होगा छक्का। 4 रन मारे हैं, शाबाश प्राची। और एक और छक्का, और ये स्कोर बराबर, स्कोर बराबर, बराबर यानी स्कोर। बहुत ही बढ़िया, मैन ऑफ द मैच। इसमें मैं कोई डाउट नहीं है प्रियंका मैम को जाएगा, फिर भी मैं स्कोर साहब से ऑफिशियली पूछना चाहूंगा। भविष्य की ये झलक है कि फाउंडेशन के जितने भी मैच होंगे, ऐसे बच्चे लगातार फाउंडेशन के इन स्पोर्ट्स कार्यक्रमों में आने चाहिए अपनी टीम लेके। तो बिटिया को जोरदार तालियों से इसका स्वागत करें। और इस बिटिया को ये मोमेंटो, ये मोमेंटो दें कमलेश मैडम, ये दूसरा दे, मैन ऑफ द वुमेन तो आप बन नहीं पाए, लेकिन फाउंडेशन की तरफ से आपको ये सम्मान जो है दिया जा रहा है। तो आगे आप, अभी मैच आपका रह रहा है, बाकी है अभी, तो अभी ये आपके लीग मैच हुए हैं, तो अभी आगे आपके मैच होंगे। बहुत बहुत बधाई। और अभी हमारे सकते हैं हमारी दोनों टीमों का जो भी मैच होने वाला है, और एक ग्रुप फोटो हो रही है इनकी। और बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारी महिला शक्ति हमारे साथ यहाँ कंधे से कंधा मिला के चलती हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग अपन मैच में खिला रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा। वुमेन ऑफ द मैच यूके लाइन ऑफ होल्डर प्रियंका जी 64 रन, और शायद जहां तक मुझे जानकारी है प्राची 50 रन के लिए जो है एडवोकेट विशेष नायक जी के माध्यम से जो आज वुमेन टीम्स के लिए जो है थोड़ा ध्यान उतर गया था, जिसके लिए हम आपके सामने क्षमा मांगते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। जिन्होंने पेपर में लगाई जाएगी, तो जोरदार तालियां खिलाड़ियों के लिए। टीमों ने जो है 50 मारी है, दो तीनों लड़कियों ने। और आज यहाँ पे तीन टीमें खेली गई, तीन टीमों में मैच निर्धारित हुए, आज ही अलग चीज है, बहुत अच्छा लगा। और मेरे ख्याल से जो हमारे महिला क्रिकेट टीमों का जो मैच है, उसमें छक्कों की बरसात आज काफी हुई है, और आज हमसे जाना चाहिए कि यहाँ पे कैसे लगा। कैसा लगा और क्या आपको आज यहाँ से? हमें बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत अच्छा मैच खेला और अच्छा स्कोर भी बनाया, बहुत मजा आया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फाउंडेशन के मेंबरों से कहूंगा कि सभी हमारे गेस्टों को छोड़ने के लिए गाड़ी पर जाएं, और बाकी हमारे साथी ट्रैकिंग पे लग जाएं। सब लोग घर पहुंचे और ग्रुप बना हुआ है, उसका मैसेज डाल दें, किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। धन्यवाद आप सभी का। बेटा आपको कैसा लगा? आप उम्मीद थी आप यहाँ खेल पाओगे? छोटा बच्चा था, मतलब क्या लगता है आपकी उम्र, मम्मी की उम्र की लोगों के साथ खेल रहे हो, क्या आपको मतलब? नहीं नहीं, क्या विचार है आपका? मैं सीमा देगी,
और मैं एक लाइन में बात खत्म करूंगी कि हमारा जो सफर है वो बेलन से बैट तक आ गए। अब हम बेलन छोड़ के अब हम बैट पे आ गए और हमारा बहुत कम समय में हमने आज बहुत अपना बेस्ट दिया और ये सब आप लोग जानते हो जो आपने मैच देखी है। हमने लास्ट टक्कर अच्छे से दी है, मतलब हमें हारने का दम नहीं मिला, अपना मैच खेला है, पूरा 100% दिया है। छक्के छक्के लग रहे हैं तो इसका मैच लास्ट साल से पिछले लास्ट और लगता है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। हाँ, इस बार बहुत ज़्यादा कंपटीशन था लेकिन हमने पूरा विश्वास था कि हम जीतेंगे। एक मैच हमारे लेकिन हमने अपनी टीम का हौसला ख़त्म नहीं होने दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, इंडियन टीम भी हार गई तो हम हार गए तो क्या हो गया, विराट कोहली भी 0 पे आउट होता है, फिर विराट कोहली 100 पे आता है तो हमारी टीम में जोश आया और हमारी प्रियंका ने बहुत अच्छा बनाया, प्राचीन और सारी टीम ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छी फील्डिंग करी, बहुत अच्छी बॉलिंग करी तो बहुत प्राउड है। और मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि घरों सारी महिलाओं को घरों में मत बैठिए, हमारे साथ आगे बढ़िए, हमारे साथ ग्राउंड में आइए, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाइए और उत्तर बड़ा उत्तराखंड खेलो उत्तराखंड जीतो उत्तराखंड। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा प्रयास था सबका और प्राची ने और प्रियंका ने टीम के लिए बहुत अच्छा एफर्ट्स डाला और बाकी सारे टीम मेंबर्स ने भी बहुत अच्छे से बहुत ही अच्छा था और सारी फीमेल्स के लिए बहुत जोर से तालियां, सब ने बहुत अच्छा किया और ऐसे ही करते रहेंगे। ऐसे नहीं, फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा कि सारी फीमेल्स आके आगे इन्होंने आके बहुत अच्छा खेला है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, सबको बहुत बहुत गुड विशेस। मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे हमारी टीम का नाम है UP Lions, उस नाम को हमने मतलब आज पूरा सबको दिखा दिया कि हम सच में शेर ही हैं, शेरनियाँ हैं, तो हमने खेल के भी दिखाया और सब तरीके से हमने आज शो कर दिया कि हम है कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे ही सबको आना चाहिए, सबको खेलना चाहिए जो भी उत्तराखंड के हैं और अपने उत्तराखंड का नाम आगे बढ़ाना चाहिए, बस यही कहना चाहूँगी। और हम आगे भी ऐसे खेलेंगे, फाइनल भी हम जीत के जाएंगे और ट्रॉफी लेके जाएंगे हम फाइनल में। यस, वो लेके मेरा नाम एडवोकेट सुमन कैंद्रा है, मैं यहाँ पे खेलने आई थी, यहाँ पे मुझे फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आगे भी आती रहूँगी। ऑल द बेस्ट फॉर फाइनल। मेरा नाम सुनीता बिस्ट है और हम भी, ये मेरा फर्स्ट टाइम था हमारा भी, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अपने सारे पहाड़ियों से मिले सबसे बड़ी बात ये थी और मुझे लगता है ये वुमेन्स के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था क्योंकि अभी तक हमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड ऐसे मंजर नहीं मिला, स्टडी मिला, वर्किंग वुमेन्स होने का मिला और कई तरह के अपॉर्चुनिटीज मिली है, लेकिन जो ये एक्सपोजर ये प्लेटफॉर्म मिला है ना वुमेन्स को, मुझे नहीं लगता ये स्पोर्ट्स में कहीं भी मिलता है। इवन मेरी खुद अपनी बेटी स्पोर्ट कोटे से है, कॉलेज में अभी जो एडमिशन उसने लिया है, वो एथलीट है, क्रिकेटर है, लेकिन हमने देखा गर्ल्स को एक्सपोजर कहीं नहीं है। अगर हमें उसे रोज मैच खिलाना है तो हम ग्रेटर नोएडा जा रहे हैं, गुड़गांव जा रहे हैं, फरीदाबाद जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में हमें कॉर्पोरेट के मैचेस नहीं मिल रहे, हम बॉयज़ के साथ खिलाते हैं, गर्ल्स के साथ है ही नहीं लेदर बॉल के लिए हमें खेलने के लिए, लेकिन ये एक्सपोजर इतना बड़ा था ना। और मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगी ये जो हमारी फाउंडेशन है DSMF, इसने सच में बहुत बहुत बड़ा काम किया है क्योंकि बॉयज़ को मैन को तो हर कोई प्रमोट करता है बट फीमेल को, क्योंकि उन्हें पता है फीमेल आगे अपनी ओर से वो एफर्ट नहीं कर पाती इतना जब तक आप उन्हें पुशअप नहीं करोगे, लेकिन यहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ हमने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया, इन्होंने हमें आगे बढ़ाने का कोशिश करी और फिर ये तो एक टीम वर्क है जिसमें सबने मिलकर बहुत अच्छा एक अच्छा अपना रोल प्ले किया है। तो मैं थैंक यू सो मच बिल्कुल कहना चाहूँगी यहाँ के फाउंडर को और जितने वो पहाड़ियों की बहुत अच्छी आएगी क्योंकि अगर माँ सशक्त होगी तो घर की जितनी भी बेटियाँ उत्तराखंडी एक हो जाएंगे, क्योंकि अभी पता है क्या है, हम जितने भी उत्तराखंडी हैं आपस में एक दूसरे को जानते नहीं है और मुझे कुछ तो ऐसे मिले जो हमारी नियर बाय। और मेरा आज ये फर्स्ट टाइम था जब मैं कमलेश मैम के थ्रू आई हूँ, तो आज ये हमारा पहला और दूसरा मैच हुआ है, हालांकि पहला तो हार गए थे लेकिन दूसरी भी पूरी मेहनत करी है, सारी टीम ने अच्छा खेला है और मैं सबसे निवेदन करूँगी यहाँ दिल्ली में तो ठीक है लेकिन उत्तराखंड में भी ये प्रयास रहना चाहिए कि हाँ बच्चियाँ आई, जो नई जनरेशन आ रही है वो आई और क्रिकेट में खेल में अपनी भागीदारी की। प्रियंका गुसाई मेरे साथ में है, प्रियंका जी कैसे लग रहा है आज जो मैच खेला आपने और आपकी जो फील्डिंग देखी है हमने, सच में
आपने दिल जीत लिया हमारा, कैसा लगा यहाँ आज खेल के? मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता है, मैंने लास्ट टाइम भी खेला था एंड अमेजिंग। जो कंट्रीब्यूशन फाउंडेशन को हमारी जो कर रहे हैं उत्तराखंड वाले एंड लास्ट टाइम जो संस्था है हमारी, बहुत ही अच्छी है बिकॉज एवरी वुमन गेट अ चांस टू एक्सप्लोर टू बी हैप्पी पीस, बिकॉज खेलने से ये होता है कि बहुत मजा आता है। आई मीन फ्री ऑफ माइंड, सब अपने घर से निकल के खेलते हैं तो अमेजिंग। आई मीन आई लव द कॉन्सेप्ट। मुझे तो यहाँ पर देखो हारना जीतना तो लगा हुआ, पर आज आपकी जो फील्डिंग देखी हमने, सब बहुत वाह वाह ही कर रहे थे आपकी, कैसा लग रहा था आपको? नहीं अच्छा लग रहा था, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, सो ये स्पिरिट तो आई मीन हर किसी में उसकी अब अमेजिंग। क्या कहना चाहते हैं आप देवभूमि स्पोर्ट्स महाकोटी फाउंडेशन को? बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द विमेन एंड बिकॉज विमेन बहुत बिजी रहती है, बहुत सब में लगी रहती है, सब में अपना टाइम कंट्रीब्यूट करती है, अपने लिए निकाल कर वो टाइम यहाँ पर आती है। दैट इज दैट वाज अमेजिंग। आई मीन जो ये हमारी संस्था का कंट्रीब्यूशन है बहुत अमेजिंग है, आई लव द कॉन्सेप्ट। और आप वॉइस ऑफ माउंटेन को क्या कहेंगे, जो कि आपका अभी हर मतलब चैनल जो है हमारा, ये आपको हर दिल्ली एनसीआर और पूरे उत्तराखंड में ये चैनल हमारा चलता है, लोग देखते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? बेसिकली फॉर वुमेन्स दैट यू शुड कम मोर कम एंड पार्टिसिपेट ओवर हियर एंड टू बूस्ट वुमेन, उनको मतलब बहुत आना चाहिए और बहुत सारी महिलाओं को आना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, खेलना चाहिए। आपस में मेल जोल सबसे बड़ी डेफिनेटली यहाँ पर सब आके मिलते हैं, अलग 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 से है, जॉब से है, कोई हाउस वाइफ है, जॉब है, आई मीन अपना टाइम निकाल के अपने लिए निकाल के जरूर आना चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ देवभूमि स्पोर्ट्स महाकौथिक फाउंडेशन की तरफ से और वॉइस ऑफ माउंटेन की तरफ से कि आप ऐसे हर साल आए और हारने के बाद भी आपके मन चेहरे पर जो खुशी है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका मतलब एटीट्यूड देख के कि आप इतने अच्छे लोगों से घुले मिले और अपना बहुत अच्छी वो की, तो कैसे लगा आपको यहाँ पे? सही जी, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। दूसरा लीग मैच हुआ था उसमें आदित्य जो यहाँ पे ये तक टीम हमारे साथ है, लेकिन कहना पड़ेगा कि हमारे जो हुई क्या स्पीड हुई बहुत ही अच्छा लगा और उनका काफ़ी आज बना गया, बहुत बड़ी हुई थी उनकी आदित्य। आज का दिन बहुत ही रोमांचक था और मैच हमारा इतना मस्त था कि जो पिछले साल हमने हार हमें नसीब हुई थी, हमने उसको पराजित करके और हम जीत में हासिल कर लिया। बहुत अच्छा खेले हमारे प्लेयर्स, बहुत मज़ा आया, बहुत हिम्मत से और बहुत सोच समझ कर खेल खेला गया और बहुत उसका हमें विकेट मिला और हम फाइनल में पहुंच गए और आगे भी फाइनल में हम ये जो ट्रॉफी है ये सारी जीतेंगे बैठक लाने के लिए कुछ संदेश। मैं अब हमारे इधर भी बहुत सारे गढ़वाले में थोड़ा एक सहयोग चाहिए, ये जो बोतलें गिरी हुई है मैदान में 2 मिनट और हमसे जुड़े और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, बहुत अच्छा है खेला आज का मैच, बहुत मजा आया जीतो खेलो उत्तराखंड जो हमने पिछले साल खोया था अब हमें खुशी हमने पा लिया। लेकिन आज का जो भी हमारा रहा पूरा निचोड़ बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर रहा। उत्तराखंड और कुछ कहूँ
बढ़ावा देना तो बहुत अच्छा लगा। और इस बार हमारी टीम में ना चार पांच बच्चियां ऐसी आई हैं जो उनको अगर प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे तो और गाइडेंस देंगे तो मुझे लगता नहीं है कि ये लोग धमाल कराएंगे, ये आगे स्टेट और नेशनल लेवल तक 100% के लिए दिखाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। तो मुझे ऐसे ही बच्चे, मेरा जो जो ये मैसेज देख रहा है, मेरी मेरी उम्मीदों निवेदन है कि अपने बच्चों को मौका दें, घर में ना बैठाएं और उत्तराखंड माँ पौते की जो हमारी कंडीशन है इसमें जरूर आए, मुझसे कॉन्टेक्ट करें या मेरे किसी भी सदस्य से कॉन्टेक्ट करें, अपने बच्चों का हुनर पहचाने और उत्तराखंड को एक नया स्थान दें। धन्यवाद। जयप्रहण पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा